जारी कर दिए। संभल से कौन चेहरा होगा वो हम आपको बताते हैं। शफीकुर रहमान बर्क को टिकट मिला है, ये वो हैं जो अमूमन विवादों के लिए जाने जाते हैं, ऐसे विवाद सामने आते हैं इनके बयान। फिरोजा संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट मिला है, इसके अलावा फिरोजाबाद से अध्यक्ष अक्षय यादव जो है उनको टिकट दिया गया है। मैनपुरी से डिंपल को ही मौका मिला है, मैनपुरी से ये चुनाव लड़ती रही है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचा दें, लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से 16 प्रत्याशियों 16 उम्मीदवारों का नाम भी सामने आ गया है जो चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता से जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट उनकी ओर से जारी कर दी गई है। ये कौन कौन से नाम है? संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट मिला है, वहीं फिरोजाबाद से अक्षय यादव को टिकट मिला है, उन्नाव से अनु टंडन को उम्मीदवार यहां पर समाजवादी पार्टी ने बनाया है, संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट मिला है। तो समाजवादी पार्टी की ये पहली लिस्ट है जो यहां पर जारी कर दी गई है। और इसी के साथ मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट यहां दिया गया है, संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट मिला है और साथ साथ फिरोजाबाद से अक्षय यादव को टिकट मिला है। 16 उम्मीदवार है, 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी की ओर से यहां पर दे दी गई है और ऐसे में ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव का जो खेल है वो और आगे स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या जानकारी है, कौन कौन से 16 नाम है? जी बिल्कुल, देखिए संभल से जो मौजूदा सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट किया है। तो वहीं मैनपुरी से डिंपल यादव जो कि मौजूदा सांसद है उन्हें भी मैनपुरी से टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव हैं, तो एटा से देवेश यादव है, बदायूं से धर्मेंद्र यादव है, किरी से उत्कर्ष वर्मा है, उन्नाव से बात करें तो अनु टंडन को दिया गया है, लखनऊ से रविदास मल्होत्रा को दिया गया है। इस तरीके से 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है समाजवादी पार्टी ने जारी की है। जी तो 16 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर सामने आ गई है। लोकसभा सीटों का जिक्र करें तो 80 लोकसभा सीटें यहां पर उत्तर प्रदेश से सीधे सीधे आती है और कहा जाता है कि इसमें जो भी जीत यहां पर हासिल करता है वही सत्ता पर काफी हद तक काबिज होता हुआ नजर भी आता है। और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था, जो इंडी गठबंधन की बात लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही थी, हमें तो उसको लेकर क्या है, ये 16 सीटें अलग है क्या और उसमें इंडी गठबंधन भी शामिल होगा? देखिए जिन 16 सीटों की हम बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है इस पर कांग्रेस पार्टी का दावेदारी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तो उनका कहीं से इस पर दावेदारी नहीं था इन 16। हालांकि कांग्रेस से लगातार अभी भी बातचीत जारी है, समाजवादी पार्टी ने साफ तरीके से उनको कहा है कि 11 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन ये जो 16 सीट है ये पहले से समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया था, जिसमें डिंपल यादव मैनपुरी से है, शफीकुर रहमान जो मौजूदा सांसद है मैन संभल से उन्हें टिकट दिया गया है, इसके अलावा फिरोजाबाद से अक्षय यादव का नाम बहुत पहले से ही चल रहा था उन्हें टिकट दिया गया है, एटा से दिनेश शाक्य को टिकट दिया गया है, इसके अलावा अगर हम बात करें खिरी से तो उत्कर्ष वर्मा है और उन्नाव से अनु टंडन की चर्चा बहुत दिनों पहले से चल रही थी कि अनु टंडन वहां से लड़ना चाह रहा था। तो ये जो 16 सीटें हैं, लखनऊ से रविदास मल्होत्रा, फरुखाबाद से नवल किशोर शाके, ये अकबरपुर से हम बात करें तो राम राजपाल, ये लगातार ये अपनी दावेदारी लगातार पेश कर रहे थे और जाहिर तौर पे इन 16 सीटों के जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि यहाँ कांग्रेस दावेदारी नहीं कर रही थी, ये पहले से तय थे कि ये मजबूती से इन जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। जी तो देखिए जो नाम यहां पर 16 सीटों के सामने आए हैं उम्मीदवारों के साथ में महामंथन के बाद में समाजवादी पार्टी ने ये लिस्ट यहां पर जारी की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी बखूबी जानती है कि एक एक सीट की आखिर क्या कुछ सियासी कीमत है और किस तरह से चुनौतियां भी यहां पर नजर आती है। लेकिन क्या कुछ इन 16 सीटों का अमित गणित भी कहता है, क्योंकि दिग्गजों के नाम भी सामने हैं, क्या इनमें कोई ऐसा नाम भी सामने है जो एक नए चेहरे के तौर पर सामने आता है या फिर सारे अनुभवी यहां पर है, किस सियासी रणनीति और अंक गणित को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट सामने आई अमित? अमित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जानना चाहेंगे कि किस सियासी अंक गणित को ध्यान में रखते हुए 16 सीटों का ये पूरा गणित सामने आया है।
जी अगर हम बात करें तो जिन ये जिन 16 सीटों पर लगातार ये जो 16 सीट हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, इसके अलावा 11 अन्य सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी ने ऑफर किया है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी 20 सीटों जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 20 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर वो कांग्रेस को देना नहीं चाहती है। बहरहाल इन 16 सीटों पर नाम का ऐलान हो गया, तो जाहिर तौर पे इन 16 सीटों को छोड़कर अगर हम बात करें तो अन्य जो बचे हुए सीट है 80 सीट लोकसभा सीटों में से जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उन सीटों पर अभी फिर